हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज आपके लिए लाए हैं फोर्ड फिगो 2016 ओनरशिप रिव्यू। तो चलिए मिलते हैं इनके ओनर से और जानते हैं कि वो इस गाड़ी के बारे में क्या कहते हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार हमारे व्यूअर्स को आप अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम नीतीश तोमर है और मैंने 2016 में फोर्ड फिगो ली थी, टाइटेनियम स्प्रिंग टॉप। और आज लगभग 5.5 साल उस बात को हो गए, जनवरी 16 में ली थी मैंने। तो उस टाइम पर आपको क्या कॉस्टिंग पड़ी थी गाड़ी की? सेकंड टॉप मॉडल है ये, 7.5 लाख रुपये पड़ी थी, 7.4। तो उस टाइम पर फोर्ड के साथ क्या एक्सपीरियंस था आपका? फोर्ड के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे पास मेरे फ्रेंड्स के बाद पहले से फोर्ड फिगो रही थी, मैंने चलाई हुई थी, वो पुराना वर्जन था। ये नया मॉडल लॉन्च हुआ था शायद 2015 में, उन्होंने चेंज किया था इसको। तब मैंने इसका टेस्ट ड्राइव ली थी, मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगती थी, कॉम्पैक्ट थी और अच्छी थी, पावरफुल गाड़ी थी, तब मैंने ये परचेज किया। तो उस टाइम पर आपने कोई और सी गाड़ी नहीं देखी थी? नहीं, मेरे को फोर्ड ही लेनी थी। फोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी और स्ट्रेंथ और पावर है, वो मुझे बहुत पसंद थी पहले से ही, और इसने अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया और अच्छी गाड़ी रही है ओवरऑल। तो शुरू से ही मन था कि फोर्ड ही लेना है? हाँ, शुरू से मेरा मन फोर्ड का ही था, फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी और स्ट्रेंथ के लिए मुझे फोर्ड ही चला। तो इस टाइम पर क्या एक्सपीरियंस था आपका फोर्ड के साथ? अब तो फोर्ड छोड़कर चली गई है, तो मतलब फोर्ड बेशक छोड़ के चली गई हो, फोर्ड हो सकता है इंडिया में इतना अच्छा व्यापार ना कर पाई हो, लेकिन जो फोर्ड को चलाते हैं, जो फोर्ड जो चला चुके हैं, वो फोर्ड के बारे में बताएंगे कि फोर्ड से अच्छा कुछ नहीं है। अब जैसे मैं इस गाड़ी की बात करूं, तो इस गाड़ी ने मेरे को आज भी ये 26-27 का एवरेज दे रही है, जबकि मैंने ये 5 साल में 2,10,000 के आसपास मैं चला चुका हूँ इसे, और अभी भी 26-27 का एवरेज आराम से देती है डीजल। टाइम पर इसकी क्या कॉस्टिंग आई सर्विस की? सर, इसकी रेगुलर जो सर्विस होती है वो 10,000 किलोमीटर पर होती है, लगभग 5,000 से 6,000 के बीच में नॉर्मल सर्विस पड़ती है, जिसमें आपका सारे फिल्टर चेंज होते हैं, ऑयल चेंज होता है। अगर कोई स्पेशल आपका स्पेयर पार्ट चेंज होना है, जैसे बीच में मेरे शॉकर बदले गए थे, तो उनकी कॉस्टिंग अलग होगी। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट आता है कि इसके जैसे नॉर्मल स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नॉर्मल वर्कशॉप्स पे नहीं होते हैं, आपको ऑथराइज वर्कशॉप पे जाना होगा। थोड़ी सी कॉस्टिंग इनकी ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है, वो चलते भी ज़्यादा। इस गाड़ी की राइड क्वालिटी कैसी लगी आपको? राइड क्वालिटी इस गाड़ी की सबसे अच्छी लगी मुझे। मैंने और भी छोटी गाड़ियाँ चलाई हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ताकतवर ये 1500 सीसी में है, 1400 सीसी में। हाँ, इतनी ज़्यादा पावर इस किसी गाड़ी में नहीं होती है, इतना ज़्यादा कंट्रोल स्टेबिलिटी इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा है। आप कितनी स्पीड पे इसको चला लें, मैंने ज़्यादा तेज़ में गाड़ी नहीं चलाता हूँ, लेकिन फिर भी तेज़ चलाइए, फिर भी गाड़ी स्टेबल बनी रहती है, ईजी ब्रेकिंग है, आसानी से गाड़ी रुक जाती है, बिल्ड क्वालिटी बहुत मजबूत है, आपको ऐसा लगेगा गाड़ी चिपक के चल रही है और आपका कंट्रोल आपके हाथ में है गाड़ी का, तो आपसे बाहर गाड़ी नहीं जाएगी। आपने इसके अलावा कौन कौन सी गाड़ी चलाई हुई? इसके अलावा मैंने लगभग सारी गाड़ी चलाई है, मारुति की चलाई है, महिंद्रा की चलाई है, सब गाड़ियाँ चलाई हैं मैंने, रेनॉल्ट की भी चलाई है, निसान की सनी भी चलाई है, बहुत होंडा की भी चलाई है, पर इस तरह की क्वालिटी इतने पैसे में और कोई नहीं। तो मतलब आपको बेस्ट फोर्ड ही लगा? बेस्ट फोर्ड ही लगा, मैं आगे भी रेकमेंड फोर्ड ही करूँगा, मगर अब तो फिलहाल फोर्ड जा चुकी है, तो अगर होती तो आप सबको रेकमेंड करते? मैं रेकमेंड करता हूँ, फोर्ड ही आगे भी नेक्स्ट गाड़ी ले। तो इस टाइम पर जैसे वो छोड़कर चली गई, तो कस्टमर को फोर्ड वाले कैसे अटेंड करते हैं? कस्टमर्स को, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को फोर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे स्पेयर पार्ट्स इन गाड़ियों के अभी भी अवेलेबल हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, जैसे उन्होंने बताया, मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी अभी, अगर पड़ी तो वो कहते हैं कि वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, वो नई गाड़ियाँ नहीं अब सेल होंगी, जो नया स्टॉक शायद मैनुफैक्चर नहीं होगा, बाकी पुरानी गाड़ियों को और पुराने कस्टमर्स को पूरी सर्विस। जैसे कि आपने सारी इसकी पॉजिटिविटी बताई, तो कुछ नेगेटिव भी होगा इस गाड़ी में? तो नेगेटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। नेगेटिव पॉइंट्स सबसे बड़ा इस गाड़ी में आता है कि ग्राउंड क्लियरेंस का, गड्ढों पे जब गहरा गड्ढा आ जाता है तो गाड़ी नीचे से लगती है कभी कभी, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है, और पीछे की सीट पे लेग स्पेस कम, लेग रूम कम है, चार्जर नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, पीछे की सीट पर थोड़ी सी मिस होती है, लेकिन छोटी गाड़ी है तो ये सारी चीज़ें होती हैं छोटी गाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच।